Hello everyone, my name is Mudit Gupta. This is our next video in which we'll discuss 5 must things to do before prelims 2020. 31st May ko is bar 2020 ko aapka prelims ka exam hai UPSC civil services ka. Kya aapko iske liye aisi 5 must cheeze hain jo karni chahiye so that you can ace the exam comfortably. Un 5 cheezon ke bare mein yahan pe quickly hum ek bari summarize karenge. Also, before moving on, if you plan to subscribe to Unacademy PLUS, you can use my referral code Mudit Gupta. If you are using this referral code, you'll get 10% discount on Unacademy PLUS. 3 major PLUS courses mere aa rahe hain. The first course is on CSAT, that is starting from 28th of December. Second is International Relations, full-fledged head-to-toe analysis, 1st of January. And full-fledged economy, the most comprehensive course of economy, starting from 15th of January 2020. 3 courses hain. तीनों में आप जो है एक ही बार आपको एनरोल करना है एकेडमी प्लस में, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज बाय ऑल द एजुकेटर्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड विद रिगार्ड्स टू द प्रीलिम्स 2020 इज फर्स्ट इज सेल्फ नोट्स. यूजुअली क्या होता है कि रिलायंस जो है हमारा ड्यूरिंग प्रिपरेशन कंपाइलेशन शॉर्टकट्स इन चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है. सो प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ नोट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेल्फ नोट्स से आपको क्या होगा, सबसे पहली बात जो भी आप पढ़ रहे हैं यू विल बी एबल टू रिटेन दैट इन अ बेटर मैनर. फर्क नहीं पड़ता कि आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या ई नोट्स बना रहे हो, डजंट रियली मैटर. नोट्स होने चाहिए, रीजन बींग कि प्री और मेन से पहले जब आप लास्ट फेज का रिविजन करोगे उस टाइम पे ये जो सेल्फ नोट्स हैं आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे. चाहे आपके पास कोई भी कंपाइलेशन हो, कोई भी नोट्स हो, कोई भी समरी हो, इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आपके खुद के नोट्स होंगे. तो अगर आपने अभी तक नोट मेकिंग नहीं करी है, यू स्टिल हैव 5.5 मंथ्स टू गो. सेल्फ नोट्स जो भी आप पढ़े आप उसको जरूर नोट मेकिंग के साथ पढ़िए. बिना नोट मेकिंग के आप अपनी इफेक्टिवनेस कम कर रहे हैं. इवन दो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बट इफेक्टिवनेस आपकी खुद की थोड़ी कम होगी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ नोट्स. सेकेंड इज करंट अफेयर्स. जैसा कि हमारे को पता है ऑफ लेटली यूपीएससी में करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है. सो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली बैलेंस्ड इन आवर प्रिपरेशन. जितना टाइम आप स्टैटिक पार्ट को दे रहे हो उतना ही आपको करंट पार्ट को भी देना है. तो अब यहां पे सवाल उठता है कि करंट अफेयर्स आपको कितने टाइम के करने हैं. तो ऑन अ रफ एस्टिमेट बेसिस 1st जून 2019 से लेके 6th ऑफ मई 2020 तक अगर आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कर रहे हो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. और यह टाइमलाइन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है. इस ड्यूरेशन का ये जो 1st जून से 6th मई 2020 तक की टाइमलाइन है यहां पे आपको पूरे एक साल का जो न्यूज़पेपर है वो कॉम्प्रिहेंसिवली रीड करना है. आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि कंपाइलेशन और समरी से बेटर है कि आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं और फिर उसे सप्लीमेंट करें बाकी सोर्सेस से. तो यहां पे 6 मई 2020 तक अखबार पढ़ना खुद से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज जैसे जैसे पास आ रहा है एग्जाम वैसे वैसे एक फोबिया टेस्ट सीरीज का डेवलप होता जा रहा है एस्पिरेंट्स में. तो यहां पे टेस्ट सीरीज का एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कब करनी चाहिए ज्वाइन, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए. सो पॉइंट हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको एक लूप होल जो अवॉइड करना है वो ये है कि टेस्ट सीरीज में आपको स्कोर से डेविएट नहीं होना. चाहे आपका जो मर्जी स्कोर है, देखिए टेस्ट सीरीज का जो स्कोर होता है दैट इज नॉट अ बेंचमार्क और दैट इज नॉट एन ऑथेंटिक स्कोर. कि ठीक है अगर आप टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हो तो यूपीएससी में भी आप स्कोर करोगे ही करोगे. देयर इज नो सच क्रेडिबल कोरिलेशन, ऐसा कोई क्रेडिबल कोरिलेशन नहीं है. तो पहली बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज का जो स्कोर है दैट शुड नॉट इंपैक्ट यू. आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी गलती कहां पर हो रही है और आपको जो टेस्ट सीरीज का स्कोर है उससे बॉक डाउन नहीं होना है, उससे डेविएट नहीं होना है, उससे डिप्रेस नहीं होना है, उससे आपको लो फील नहीं करना है. राइट right? क्योंकि क्या है, टेस्ट सीरीज जो है एक विशियस सर्कल है. अभी आपके मार्क्स कम आए आप डिप्रेस हुए, डिप्रेशन में आपने नेक्स्ट टेस्ट दिया और कम स्कोर आया और डिप्रेस हुए और वो एक विशियस साइकिल जो है चलती रहेगी एंड यू हैव टू अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट. टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कॉशियसली करनी है. क्वेश्चंस करिए, अटेम्प्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, सीसैट की टेस्ट सीरीज करिए, देयर इज नो हार्म इन इट. लेकिन आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, स्कोर पे नहीं होना चाहिए. यह तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स तक. फोर्थ पॉइंट रिवीजन. एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 31st ऑफ मई 2020 रिवीजन होल्ड्स द की. नाउ
यू शुड टोटली अवॉइड एनी न्यू सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई नया सोर्स अपनी प्रिपरेशन में नहीं लाना कि मैंने कल एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी देखी, उसमें मेरे को लगा कि ये पर्टिकुलर बुक काफी अच्छी है तो मैं ये शुरू कर लेता हूँ. नो, जो आपने करा है उसे अगर अच्छे से करा है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. सेल्फ नोट्स अगर बनाए हैं उसको रेगुलरली रिवाइज करिए और आज से रिविजन स्टार्ट करिए. ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू डिवोट समवेयर अराउंड 45 to 60 मिनट्स फॉर रिविजन ऑन अ डेली बेसिस. राइट, तो यहां पर रिविजन के लिए आपको डेली बेसिस पे कम से कम 45 to 60 मिनट्स आपको एलोकेट करने हैं. द फिफ्थ पॉइंट टू बी नोटेड इज ऑप्शनल. अब आप कहोगे कि ऑप्शनल तो मेंस में आता है, ये प्रीलिम्स की क्लास में मैं आपको ऑप्शनल के बारे में क्यों बता रहा हूं. दैट लॉजिक इज यू शुड रैप अप योर ऑप्शनल एट द अर्लीस्ट. जितनी जल्दी हो सके अपना ऑप्शनल खत्म करिए. रीजन बीइंग, अगर ऑप्शनल आपका स्ट्रेच होता जाएगा तो पहली बात प्रीलिम्स के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो कम होता जाएगा. उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स तक भी पूरा नहीं हो पाया और आप सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल पूरा कर लूंगा, चांस ही नहीं है. क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको हार्डली 60 to 70 डेज मिलेंगे. अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 60 to 70 डेज मिल रहे हैं उसमें आप हार्डली एक बार रिवीजन कर पाओगे. एसे राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स रिवीजन और GS2, GS1, GS3, GS4 लाइक दैट. ऑप्शनल नए तरीके से पढ़ने का आपको चांस नहीं मिलेगा. तो अगर अभी तक आपने ऑप्शनल पूरा नहीं करा है, कोशिश करिए कि आप दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक ऑप्शनल खत्म करें. अदरवाइज काफी ज्यादा डिले हो जाएगा और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए डेट्रीमेंटल रहेगा. ये पांच चीजें आपको होलिस्टिकली फॉलो करनी है एंड यू विल सी चेंजेस इन ओन स्कोर. राइट, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल अनअकैडमी, दैट इज अनअकैडमी यूपीएससी लाइव. दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.